हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महवश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है संगे मरमर। जी तो संगे मरमर की जो कुछ पिछली कुछ एपिसोड्स हैं वो आपने देख ली हैं। आज इस वक्त हम जिस एपिसोड पे पहुंचे हैं वो है 7th। सो अभी तक ये हुआ है कि दो फैमिलीज हैं, गुलिस्तान खान की फैमिली है और सैफुर रहमान की फैमिली है, और इन दोनों के बीच में एक फ्यूड चल रहा है। दिस प्लेस सेट इन स्वात वैली, और वहाँ के जो कल्चर और वहाँ के जो ट्राइबल कल्चर और जिरगा कल्चर के लाइट में इस स्टोरी को सेट किया है। और वहाँ पे जो एक फैमिली है यानी गुलिस्तान खान की जो फैमिली है वो थोड़ी सी प्रिविलेज्ड फैमिली है, उनका स्टेटस थोड़ा सा सोशल स्टेटस जिसे आप कह सकते हैं वो हाई है, लेकिन जो सैफुर रहमान की फैमिली है उनको नाई और मोची और इस तरह के अलकाबात से नवाजा जाता है, क्योंकि उनकी जो फैमिली है वो इतनी कोई स्टेटस वाइज वो हाई नहीं है। और उस फ्यूड का जो बोन ऑफ कंटेंशन है यानी वो जो उसकी रूट है उस फ्यूड की, वो एक मर्डर है। नाउ व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस प्लेस, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन अ सोसाइटी और इट टेक्स प्लेस इन अ सब कल्चर ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे ऑनर किलिंग जो है वो रैम्पेंट है, और वहाँ पे ये एक जो क्राइम है या जो वहाँ पे इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं या जो ऑनर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है जिसकी बेसिस पे लोग कत्ल करते हैं और बहुत ज़्यादा वायलेंट किस्म के इकदाम भी उठाते हैं, तो इसके ऊपर क्योंकि इस प्ले ने रोशनी डाली है तो दैट्स वाई इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। एंड आई थिंक दैट इट्स सो अमेजिंग कि पाकिस्तान में इस तरह के प्लेज बनते हैं, और हम जितना ऑब्वियसली देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी क्रिटिक्ड इन पाकिस्तानी सोसाइटी, लेकिन जो आर्ट्स और क्राफ्ट्स और जो एंटरटेनमेंट वगैरह में जो हमारे पास जो ब्रेवरी है जो हमारे आर्टिस्ट दिखाते हैं डे इन एंड डे आउट बाय डूइंग प्लेज लाइक दिस, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। पहले हमने देखा कि उडारी के ऊपर भी इस तरह का जो सब्जेक्ट मैटर था उसमें उसको हाईलाइट किया गया, पहले भी उससे पहले भी बहुत सारे ड्रामे ऐसे बन चुके हैं, लेकिन रिसेंट पास में उडारी है। अगले कुछ दिनों में हमने देखना है कि खुदा मेरा भी है एक नाम से एक ड्रामा आ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज गोना टच ऑन अ वेरी मेजर टैबू टॉपिक। लेकिन जो संगे मरमर के जैसे प्लेस की जो बात है या जिस तरह के प्लेस बनते हैं इनको देख के मुझे इतनी खुशी इस तरह होती है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है पाकिस्तानी आर्टिस्ट कम्युनिटी में, ऑडियंस कितनी हमारी मैच्योर हैं कि वो इस तरह के ड्रामास को देखते हैं, पसंद करते हैं, उनसे समझते हैं, सबक सीखते हैं। बहरहाल जहाँ पे हमारे वो सास बहू वाले ड्रामे और बिल्कुल बेतुके और फजूल किस्म की कॉमेडीज़ वाले ड्रामे भी चलते हैं वहाँ इस तरह के ड्रामेज भी हैं। बहुत बड़ा ये एक क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी इंडस्ट्री को, स्पेशली ड्रामा इंडस्ट्री को, जो कि हमारे से ऑब्वियसली बहुत क्रिटिसिज्म भी लेती है, लेकिन आई थिंक वी शुड ऑल्सो गिव देम द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। बीच में एक सबप्लॉट ये है कि जो कुबरा खान का कैरेक्टर यानी शेरी और मिकाल जुल्फिकार का कैरेक्टर यानी औरंग, इन दोनों के बचपन की एक मोहब्बत है जो कि आई थिंक आगे जाके प्लॉट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। अनदर प्लॉट व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट इज सैफुर रहमान दैट इज द मर्डरर्स वाइफ, उसकी जो बातें हैं या जो उसका कैरेक्टर है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है कि शी इज़ मैनिपुलेटिव लाइक एनीथिंग, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव और काफ़ी हद तक ईवल इंसान है वो, लेकिन उसके जो डायलॉग्स हैं या उसने जो कुछ बातें की हैं, बेशक वो अपने हस्बैंड को मैनिपुलेट करने के लिए वो ये बातें कर रही है, लेकिन उस बात का जो शायद खुलासा है वो बड़ा ठीक है कि गैरत उन लोगों का हथियार है जो बेवकूफ़ हैं या जो अपने एक्शंस पे कंट्रोल नहीं कर सकते और बाद में वो गैरत को रीज़न बना लेते हैं और उसके बाद वो खुद तो कत्ल कर देते हैं या वो खुद तो दुनिया से भी शायद चले जाते हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे या उनके बाद जो उनकी जो खानदान या उनकी जो फैमिली रह जाती है उसके बाद वो उनके बारे में नहीं सोचते। गैरत के नाम पे क्यों कत्ल होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि हमने औरतों और मर्दों हम सब पे, इट्स नॉट जस्ट ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम औरतों पे ही ये सारा इसका जोर टूटता है, बिकॉज ओवर द पास्ट ईयर्स इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स इट्स मेजॉरिटी ऑफ वुमेन दैट हैव बीन किल्ड एट द ऑल्टर ऑफ ऑनर, सबसे ज्यादा कत्ल जो है गैरत के नाम पे औरतों का हुआ है जो कि मर्दों ने किया है। सो मेजरली तो इसका सारा ब्रंट जो है वो औरत ही उठा रही है, लेकिन ये नहीं है कि इसका इफेक्ट मर्दों पे नहीं आ रहा, मर्दों पे भी इसका इफेक्ट आ रहा है। दैट इज व्हाई इट Everybody, men and women need to talk about this and need to eliminate this evil from our society. इस प्ले में जो कैरेक्टर औरंग का जो कैरेक्टर है, मिकाल जुल्फिकार का कैरेक्टर, ही इज स्टडीड फ्रॉम द सिटी, ही इज कम फ्रॉम आउट देयर एंड ही इज सॉर्ट ऑफ द वॉइस ऑफ रीजन, जो ऑडियंस जो बात मेरा ख्याल से सोच रहे हैं वो उन बातों को वॉइस करता है और वो उन बातों को क्लियर करता है या वो बातें वो जाके दूसरे अपने कैरेक्टर से कहता है, विच आई थिंक इज वेरी सेटिस्फाइंग बिकॉज यू सी दैट This is how people should be. लेकिन एक चीज़ जिसके बाद जिसको देखने के बाद मैंने कहा ओ एक मिनट ये क्या हो गया, वो ये था कि वो रो रही है उनकी अम्मा वो अपने बेटे को मॉर्न करके, और इसी दौरान में औरंग को अपनी बचपन की मोहब्बत याद आ गई, सो दैट वॉज प्रिटी क्यूट एंड फनी एंड
what the fish kind of thing. Ye tha hamara aaj ka review. Or what did you guys think of Sange Marr Marr? Did you guys like the play? Did you guys watch the episodes? If you haven't yet, please go and watch it. Ek kafi acha play hai ye. Honor killing is something which is, like I said, everybody's watching Pakistan. Everybody is looking at what Pakistan is doing about honor killing. And recently we've passed this law about honor killing. And while it's great that this law has been passed, even though it's quite late, but at the same time, there also need to be other measures about what needs to be done about this this kind of custom. Sirf ye kafi nahi hai ki law pass kar diya jaye, jo mindset hai, jo soch hai, usko bhi badalne ki bahut zyada zarurat hai when it comes to ghairat and when it comes to punishing women for a lot of crimes that we probably know that they haven't committed. Please click on subscribe to the channel, and we have a Facebook page. You can like that if you want to stay tuned to more reviews. Take care of yourself. Have a nice day. Bye.